नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिंदु पॉइंट। बिंदु पॉइंट क्या है, हमारी न्यूरोथेरेपी में लोअर बैक पेन के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। लोअर बैक पेन में हम L5-OSM घिसाई देते हैं, L3-4-5 देते हैं, पेल्विक पॉइंट देते हैं, JJ+1 देते हैं, JJ+2 देते हैं, है ना, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, L5 फ्रैक्चर देते हैं, L4 फ्रैक्चर देते हैं, है ना। ये सब क्या है, लोअर बैक पेन को ठीक करने वाले पॉइंट्स हैं। अपर बैक यानी कि सर्वाइकल के एरिया में दर्द है तो उस समय पर हमारे पास और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं हमारे लिए। 4 मेडला क्लॉकवाइज है, T1-T2 रमन है, नेक घिसाई है, नेक क्लॉकवाइज है, नेक प्रेस ट्रीटमेंट है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट अपर नेक के लिए हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मिडल बैक पेन को कवर करते हैं, जैसे फोल्डेड लेग आपके मिडल बैक पेन को कवर करता है। हमारा ये जो बिंदु पॉइंट है ये भी मिडल पॉइंट के लिए ही है, यानी कि मिडल बैक में पेन है। ये हमारा हो गया लोअर बैक एरिया, है ना, ये हमारा हो गया अपर बैक, यानी कि ये हो गया शोल्डर से ऊपर का एरिया जो हमारा अपर बैक, और मिडल बैक कौन सा हो गया, ये वाला एरिया। अगर इस एरिया में यानी कि मिडल में, बैक के मिडल में पेन है, तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बिंदु पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिंदु पॉइंट आपके मिडल बैक का एरिया को कवर करता है। अगर यूं कहूं कि T6 से लेकर L1 तक के एरिया को ये कवर करता है, अगर ये कहें कि गैस के एरिया को यानी पेट के पीछे वाले एरिया को ये एरिया कवर करता है, तो ये बिंदु पॉइंट है जिससे कि हम वहां के एरिया में सर्कुलेशन को पहुंचाते हैं, है ना। करेंगे क्या, देना कैसे है, पहले मैं हाथ से बताऊंगा आपको, फिर पैर से बताऊंगा। तो हमने एक तरफ होकर बैठना है और इस तरीके से इस पैर, इस जैसे इनका कपड़ा है तो इस पॉइंट, इस कपड़े को इधर से यहां से पकड़ना है, यहां से हाथ को लेके जाना है अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉस डायरेक्शन में, यहां से खींचते हुए लेके जाना है, और जब ये कंधा के ऊपर यानी कि शोल्डर ब्लेड के ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां पर आपने हाथ को रखना है और थोड़ी देर खिंचाव देना है, और खिंचाव देकर ये ऊपर का हाथ ऊपर की तरफ और नीचे का हाथ नीचे की तरफ फिसल जाएगा, है ना। थोड़ा कंधे को इस तरीके से रख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये 3 बार करना है। दोबारा से देखेंगे, मैंने यहां से मसल्स को खींचते हुए गया ऊपर की तरफ, यहां गया, यहां लाकर इनको थोड़ा सा होल्ड करा 2-3 सेकंड के लिए, और उसके बाद ऊपर का हाथ ऊपर और नीचे का हाथ नीचे की तरफ फिसल जाता है, है ना। तो इस तरीके से एक ही उसमें 3 बार डायरेक्शन में करेंगे। इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अब मैं यहां से करूंगा, पूरा खींचते हुए लेके गया, शोल्डर ब्लेड पर मेरा हाथ पहुंचा, यहां से थोड़ा सा खिंचाव दिया और इसके बाद नीचे उतर गया, है ना। इसको भी 3 बार करेंगे, पूरा खिंचाव देंगे और 3 बार इस तरीके से पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे ना। अब आपने देखा कि मैंने जब यहां से इस पैर को यहां, हाथ से यहां गया और यहां से यहां गया, तो बीच में एक क्रॉसिंग बना है ना, ये इस तरह से क्रॉसिंग हुई होगी। तो ये जो क्रॉसिंग हुई है ये बिंदु है, ये बिंदु बना एक, और ये मिडल बैक में बना, इसलिए मिडल बैक को खिंचाव देगा। इस दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको दोबारा से देख लीजिए, पैर से कैसे देंगे। मैंने पैर को यहां रखा, पैर की आपका बैलेंस बहुत जरूरी है ठीक होना, और इसके बाद में पूरे पैर को खींचते हुए, धीरे धीरे खींचते हुए इनके शोल्डर ब्लेड तक गया। अब यहां से पूरा ट्रैक्शन दिया, ट्रैक्शन देने के बाद 2-3 सेकंड होल्ड करा, और इसके बाद ऊपर का पैर ऊपर, नीचे का पैर नीचे, और ये इस तरीके से आगे खिसकेगी नहीं, है ना। तो इसको यहां से पकड़ा, ये करा, यहां से पूरा खींचा, पूरा खींचा, यहां होल्ड करा, पूरा खिंचाव दिया, यहां से उतर गए। तो ये 3 बार इस डायरेक्शन में करना है, इस तरीके से पूरा खिंचाव देंगे, और 3 बार क्रॉस चेक करना है, यानी कि आप दूसरी डायरेक्शन से देंगे, यहां होल्ड करा, यहां से ऊपर खींच दिया, है ना। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ये हमारा मिडल बैक पेन है, मिडल पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिंदु पॉइंट, है ना। और बहुत इफेक्टिव है जब हमारे मिडल पे दर्द हो रहा हो, तो ये पॉइंट जो बना ये बिंदु बना एक, इसलिए इसको बोलते हैं बिंदु पॉइंट, है ना। इसके इस्तेमाल कर सकते हैं मिडल बैक के लिए, और साथ में हम उस फोल्डेड लेग का भी इस्तेमाल करते हैं।
नाभि के ऊपर दोनों हाथों को रखते हैं, पैर को मोड़ कर पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये भी नाभि क्या है, सेंटर पॉइंट है ना। तो इसलिए इस सेंटर पॉइंट से भी हम मिडल बैक यानी आगे की तरफ से पीछे खिंचाव देते हैं और वहां पूरी स्पाइन को खींचते हैं और उस पॉइंट से यानी कि हमारा फोल्डेड लेग से हमारे मिडल बैक का यानी पीठ के दर्द का इलाज हम इस तरीके से करते हैं। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इस केमिकल ट्रीटमेंट में स्पेशल बैक पेन ट्रीटमेंट जो हमारा एक फॉर्मूला है, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैक पेन, वो हमारा मिडल बैक को ही ठीक करने का काम करता है।